नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय जांच एजेंसियों का मजाक बनकर रह गया, शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा। महिला वकील पर कोर्ट परिसर में हुआ चाकू से हमला, आरोपी हिरासत में। और अनिल बोंडे ने नवाब मलिक को भिजवाई पलंग, गद्दा और कुर्सी, आंदोलन के माध्यम से भिजवाई चीजें। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को आयोजित पत्रकार परिषद में बात करते हुए सांसद संजय राउत ने कहा कि वह पार्टी से संपर्क करने के लिए मराठवाड़ा विदर्भ आए हैं। ईडी की कार्रवाई के बारे में राउत ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का मजाक बनकर रह चुका है। वही उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि जिन जगहों पर भाजपा की सरकार नहीं है, उन्ही जगहों पर कार्रवाई हो रही है। भाजपा पर व्यंग कसते हुए सांसद संजय राउत ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का मजाक बनकर रह चुका है। जिन जगहों पर भाजपा की सरकार नहीं है, उन्हीं जगहों पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। ज्यादातर कार्रवाई पश्चिम बंगाल में ही होती है, ऐसा उनका कहना था। पश्चिम बंगाल मध्ये सर्वाधिक कारवाई पश्चिम बंगाल काल आपण पाहिला असेल। ममता बॅनर्जी यांचे नातेवाईक आहेत अभिषेक बॅनर्जी, त्याला आणि त्यांच्या पत्नीला सुद्धा बोलवलं दिल्लीमध्ये। पण जाताना अभिषेक बॅनर्जी सांगितलं की विविध कितीही दबाव आणणार तरी मी त्यांच्याकडे झुकणार नाही। राजकीय षडयंत्र हा राजकीय गैरवापर होतोय तपास यंत्रणांचा। जिथे भाजपचे राज्य नाही, तिथे भाजपचे मुख्यमंत्री नाही, तिथेच फक्त ईडीच्या कारवाया। युपीएच्या काळामध्ये 10 वर्षांमध्ये फक्त 23 धाडी पडल्या आणि गेल्या 7 वर्षांमध्ये साधारण 23,000 धाडी। त्या कोणावर पडल्या, का पडल्या, त्याच्या मागची प्रेरणा काय आहे, पण एक सांगतो, महाराष्ट्र असेल की बंगाल असेल, या तपास यंत्रणा ज्या आहेत या सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्याप्रमाणे वागतात, त्यांना वापरलं जात आहे। आणि त्याच्यामुळे जर महाराष्ट्र आणि बंगाल सारखी सरकार आम्ही पाडू आणि सत्ता आणू असा कोणाचा गैरसमज असेल तर ते थांबत आहे। आम्ही अजिबात वागणार नाही, बोलण्याचा प्रश्नच सोडा। तुम्ही खोटी प्रकरण निर्माण करून आमची बदनामी करू ना शिवसेनेला वाकवू शकत ना या महाविकास आघाडीचा बाल वाका करू शकत। आगे बात करते हुए वे बोले कि राज्य में 3 दलों की सरकार है। शिवसेना एक प्रमुख राजनीतिक संगठन है, संगठन ही शिवसेना की असली ताकत है। शिवसेना देश के राज्य में 50 से अधिक वर्षों से जीवित है। यह एक मजबूत संगठन है जिसका हम और विस्तार करेंगे। कैमरा पर्सन राजेश दंगिटवार के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज, नागपुर। हत्या के प्रयास में अपराध दर्ज होने वाले 82 वर्षीय आरोपी ने अदालत परिसर में एक महिला वकील को चाकू मार दिया। घटना मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे की है। इस घटना से कुछ समय के लिए अदालत परिसर में तनाव का वातावरण निर्माण हो गया था। इस बीच अपर पुलिस अधीक्षक यशवंत सोलंकी अपने स्टाफ के साथ कोर्ट में पेश हुए, वही आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक सत्यवीर बंडीवार ने अधिक जानकारी साझा की। आज दिनांक 22/3/2022 रोजी माननीय वर्धा न्यायालय परिसरामध्ये आरोपी भीम गोविंद पाटील हे पोलीस स्टेशन फुलगाव येथील एका क्रिमिनल केसमध्ये आरोपी म्हणून हजर झाले होते। त्याच केसमधील फिर्यादी असलेली महिला वकील श्रीमती योगिता मन हे सुद्धा तिथे हजर होते। त्या दरम्यान दुपारी 1 वाजताच्या आसपास आरोपीने चाकूने पाठीमागून महिला वकिलावर हल्ला केला, त्यामुळे त्यांना जखम झाली आहे, ते सेवाग्राममध्ये उपचार घेत आहेत।
आरोपी ताब्यात आहे आणि बयानाच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हमें त्याच्याबाबत जास्त माहिती घेत आहे. दाऊद के गुंडों से जमीन लेने के मामले में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका एक बार फिर से कोर्ट ने खारिज कर दी है. उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने उनके जेल में रहने की तारीख 4 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है. याचिका डालने के पूर्व उनकी जेल से बाहर आने की संभावना इस सोमवार तक की थी, पर अब उनकी जमानत रद्द करते हुए उनकी जेल मुकर्रर की है. इसलिए नवाब मलिक ने कोर्ट से गुजारिश की है कि उन्हें जेल में पलंग, गद्दा और बैठने के लिए कुर्सी मुहैया कराई जाए. ऐसी याचिका मलिक द्वारा की गई थी. इसके लिए अनिल बोंडे ने आंदोलन के माध्यम से ये चीजें नवाब मलिक के लिए भेजी. देशद्रोहांना मदत करणाऱ्या, दहशतवाद्यांना पैसे पुरवणारा नवाब मलिक आता जेलमध्ये आहे आणि जेलमध्ये 4 एप्रिल पर्यंत कोठडी दिली आहे. शरद पवार साहेबांनाही माहित आहे की नवाब मलिक प्रदीर्घ काळापर्यंत जेलमध्ये राहणार आहे आणि त्यामुळं त्यांनी भंडाऱ्याचं पालकमंत्रीपद काढलं, परफणीचं पालकमंत्रीपद काढलं, मुंबईचं काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसचं अध्यक्षपद काढलं, त्यांचे खाते दुसऱ्याला दिले. म्हणजे नवाब मलिकाचे सगळे हातपाय शरद पवार साहेबांनी छाटले आणि म्हणून, परंतु न्यायालयानं त्यांच्यावर दया केली. न्यायालयाने सांगितलं की यांना गादी, पलंग आणि खुर्ची देता येईल आणि म्हणून भारतीय जनता पक्षातर्फे आमचे दोन्ही जिल्हाध्यक्ष किरणजी पातुरकर आणि निवेदिता ताई यांनी गादी, पलंग आणि खुर्ची हे नवाब मलिक यांना सप्रेमे पाठवलं आहे. आणि एकच मागणी आहे भारतीय जनता पक्षाची की या गादीवर जेलमध्ये आराम करा, पण राजीनामा द्या. घटनात्मक मंत्रिपदाचं पद वाया घालवू नका, बिनखात्याचे मंत्री म्हणून राहू नका. तुमच्यावर देशद्रोहांना मदत केल्याचा आरोप आहे आणि त्याच्यामुळे या गादीवर झोपा, या पलंगावर झोपा, या खुर्चीवर बसा, पण राजीनामा द्या. सास्ती टाउनशिप की सफाई करते समय चेंबर में गैस का रिसाव होने से एक बेहद ही हैरतअंगेज हादसा सामने आया. यह हादसा मंगलवार की सुबह तकरीबन 10:15 के दरमियान हुआ. सुबह करीब 2 मजदूर चेंबर की सफाई करने गए थे. इस वक्त चेंबर से गैस लीक होने लगी जिस कारण मजदूर उसी चेंबर में बेहोश हो गए. उन्हें निकालने के लिए WCL के मजदूर गए, वो भी घटना के शिकार हो गए और एक अन्य व्यक्ति भी इसका शिकार हो गया. उन सभी को एरिया के हॉस्पिटल से चंद्रपुर रेफर किया गया. उनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. वही घटना के शिकार हुए लोगों के नाम शंकर अदगुला, सुभाष खंडरकर, सुशील कोडे, प्रमोद भक्तिवार और राजू जंजरला बताई गई. धारदार हथियार अपने साथ लेकर घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में तहसील पुलिस ने कामयाबी हासिल की है. पुलिस पूछताछ में ये बात सामने आई कि आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज है. तहसील पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई कर आरोपी से धारदार हथियार जब्त कर करीब 51,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है. इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक तृप्ति सोनौने ने अधिक जानकारी साझा की. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को तहसील पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, तब उन्हें एक व्यक्ति संदेहास्पद अवस्था में घूम रहा है, जिसके चलते पुलिस ने उक्त व्यक्ति के पास गई, तब उसे भागने की कोशिश की. हालांकि पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की. कड़ाई से पूछताछ करने पर ये बात सामने आई कि उक्त आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज है. वहीं उसकी छानबीन लेने पर आरोपी के पास से धारदार तलवार भी मिली जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया. इस संदर्भ में वरिष्ठ निरीक्षक तृप्ति सोनवणे ने अधिक जानकारी दी. 21/3/22 रोजी संध्याकाळी 6:30 सुमारास आमचा रेकॉर्डवरचा एक आरोपी आहे, फैजन अन्सारी वल्त वकील अहमद अन्सारी व 19 वर्ष हा राहणारा मोमिनपुराचा आहे. या ज्याला संशयास्पदरित्या शस्त्रासह आमच्या डीबी पथकाने सापळा रचून पकडलेला आहे आणि त्यानंतर त्याच्याकडनं गुन्हे उघडकीस आलेले आहे. एक होंडा डिलक्स गाडी मिळाली आहे आणि त्याच्याकडनं MIDC पोलीस स्टेशन गुन्हा 210/22 हा दाखल आहे. तिथे तो उघडकीस आलेला आहे आणि अजनी पोलीस स्टेशनचा 138/21 घरफोडीचा गुन्हा आहे. हे 2 गुन्हे त्याच्याकडनं उघडकीस आले. त्यातलं मुद्देमाल आम्ही हस्तगत केलेला आहे आणि आता पुढील कारवाई करता आम्ही त्यांच्याकडे हँडओव्हर करू. उद्देश असणार त्याचा काहीतरी, उद्देश असणार शस्त्र विषयी आम्हाला मिळाला होता तो बहुतेक चोरी, घरफोडी अशा प्रकारचे गुन्हे करण्याची तयारी तो याआधी त्याच्यावर चोरीचे गुन्ह्यांचा रेकॉर्ड आहे. पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए हुए आरोपी के नाम
फैजान अंसारी वल्द वकील अहमद अंसारी है, जिसके पास से कुल 51,102 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। तहसील पुलिस थाना अंतर्गत बीते कुछ दिनों पहले एक घर में चोरी हुई थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए तहसील पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जो पकड़े जाने के डर से कपड़े बदल बदल कर चोरियां करता था। बता दें कि इस मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक तृप्ति सोनोने ने दी। तहसील पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गांजा खेत चौक में रहने वाली फिरियादी ये पुणे में जॉब करती है और बीते कुछ दिनों पहले फिरियादी के माता पिता भी उसे मिलने पुणे गए थे। हालांकि जब वे घर लौटे तब उन्हें घर की स्थिति ठीक नहीं लगी और घर में चोरी होने की बात उनके समझ में आई, जिसके चलते तहसील पुलिस थाना अंतर्गत उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, जिसके चलते तहसील पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक तृप्ति सोनो ने अधिक जानकारी साझा की। दिनांक 15/3/22 रोजी पोलीस स्टेशन तहसील हद्दीतील नांदबाची डोब गांजापेठ चौक जवळ घर आहे। घरात नवरा बायको दोघंच वयस्कर इसम राहतात। ते पुण्याला गेलेले होते आणि ते त्या दरम्यान कडी कोंडा तोडून आतमध्ये प्रवेश करून घरफोडी झाली होती। एकूण 4,44,000 मुद्देमाल चोरीस गेला होता। त्यापैकी आम्ही एक जुएनाईल आरोपीला सध्या विधी संघर्ष पालकाला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडनं सदरचा गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे आणि गुन्ह्यातून एकूण 1,00,000 रुपयाचा मुद्देमाल जवळपास आम्ही त्याच्याकडनं रिकवर केलेला आहे। त्याच्यात आम्हाला पाहिजे असलेला एक आरोपी अद्याप फरार आहे, मिळून आलेला नाही, त्याचा शोध चालू आहे, लवकरच तोही आम्हाला मिळेल। रात्रीच्या वेळेला झालेली घरफोडी आहे। मोठ्या पेचकसच्या साह्याने त्याने कडी कोंडा तोडलेला आहे आणि घरात प्रवेश केलेला आहे। यामध्ये हा जुएनाईल आरोपी आहे, त्याने यापूर्वी पण गुन्हे केलेले आहे। या चोरीमध्ये त्याने स्वतःला झाकण्यासाठी किंवा स्वतःचं अस्तित्व लपवण्यासाठी वेळोवेळी कपडे बदलले, 2 ते 3 वेळा कपडे बदलले। त्यात एक वेळा महिलेचंही गाऊन वगैरे घालून कपडे बदलून त्याने चोरी केलेली आहे। पुलिस ने इस मामले में कुल 96,220 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। वही इस मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज नागपुर। खबरों के इस सिलसिले में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का फिर एक बार स्वागत है।
अपनी शुद्धता और अनंतता के लिए सुप्रसिद्ध रोकड़े ज्वेलर्स की संपूर्ण नागपुर शहर में शाखा है। वही रोकड़े ज्वेलर्स लोगों के विश्वास का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। इसी कड़ी में हाल ही में रोकड़े ज्वेलर्स की लक्ष्मी नगर ब्रांच को 3 साल पूरे हुए हैं, जिसके चलते इस खुशी के मौके पर ग्राहकों के साथ रोकड़े ज्वेलर्स के लक्ष्मी नगर ब्रांच में रैली निकाली गई, जिस दौरान ढोलताशी की धुन पर रोकड़े ज्वेलर्स का परिसर गूंज उठा। बता दें कि यह पहली बार था कि किसी ज्वेलरी शॉप की 3वीं वर्षगांठ पूरी होने पर ग्राहकों द्वारा ऐसी रैली निकाली गई हो। तो आइए देखते हैं इस रैली की कुछ झलकियां। मामूली विवाद के चलते एक ऑटो चालक को 2 आरोपियों ने गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। मामले में लिप्त आरोपी रशीद खान और आरोपी इजराइल पर पहले कोई भी अपराध दर्ज नहीं होने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटिल ने दी। वही उन्होंने बताया कि दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वसीम खान म्हणून जख्मी आहे, वसीम अनवर खान हा ऑटो चालक आहे, याला दुसरा एक ऑटो चालक आहे रशीद खान म्हणून, त्याने आणि त्याचा सोबती शेख इज्राइल नावाच्या मित्राने सवारी भरण्याच्या कारणावरून त्यांचा 2-3 दिवसापूर्वी वाद झाला होता। त्याबाबत पोलीस स्टेशनला त्यांनी कुठल्याही प्रकारची तक्रार दिलेली नव्हती आणि त्याच कारणावरून त्यांचा रशीद खानने डोक्यावर लाकडी रॉड मारून त्याला जबर जखमी केलं आहे। जो जख्मी आहे वसीम खान, त्याची प्रकृती जरा गंभीर आहे, हॉस्पिटलमध्ये उपचार त्याच्यावर चालू आहे। आरोपींचं रेकॉर्ड नाही आहे, याच्यामध्ये अचानक हा रशीद खान नावाचा जो आहे व्यक्ती आरोपी, हा पूर्वी मसाला विक्रीचा व्यवसाय करायचा आणि आता तो त्याने एक ॲटो घेऊन ॲटोच्या व्यवसायामध्ये आला आणि ॲटोच्या सवारी भरण्यावरून यांचा वाद झाल्याची प्राथमिक माहिती आलेली आहे। त्याच्यात अजून तपासून काय खरे कारण आहे किंवा तेच कारण आहे का याबाबत खुलासा होईल। आरोपी ताब्यात घेतलेले आहेत, त्यांच्या अटकेची कारवाई पुढे आम्ही करत आहोत। पिता के मित्र ने ही किशोरी से दुष्कर्म करने की घटना सोमवार को सकरदरा पुलिस थाना अंतर्गत सामने आई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित 15 वर्षीय किशोरी कक्षा 9वीं की छात्रा है। उसके घर में पिता का मित्र निजी वाहन चालक आरोपी नरेश गणवीर चंदन नगर निवासी का आना जाना था। 14 फरवरी को युवती को अकेला पाकर नरेश ने युवती से जबरन दुष्कर्म किया। इस मामले में डरी सहमी किशोरी ने घटना के 1 माह बाद चुप्पी तोड़ी और इसकी जानकारी माता पिता को दी। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटिल ने अधिक जानकारी साझा की। या गुन्ह्यामध्ये जो पीडिता आहे, पीडिताचे वडिलांचा मित्र ओळखीचा माणूस आहे, हा ज्याने जो आरोपी आहे या घटनेमध्ये, त्याने मुलीच्या घरी जाऊन साधारण 1 महिन्यापूर्वी 14 फेब्रुवारी या दिवशी हा प्रकार संध्याकाळच्या वेळी घरी कोणी नसताना केलेला आहे। याच्यात देखील आरोपी अटक करण्यात आलेला आहे आणि पुढील तपास चालू आहे। या आरोपीचं आणि पीडितेच्या वडिलांचे ओळख होती, त्यांचं येणं जाणं पण होतं आणि हा ड्रायव्हर खाजगी कारवर ड्रायव्हर डेली वेजेसवर जाणारा माणूस आहे आणि जे पीडिताच्या गल्लीमध्येच त्या एका गाडी मालकाकडे तो कामावर यायचा। पीडित मुलगी ही 9वीत शिक्षण घेत आहे
आणि तिचं वय 15 वर्ष आहे. मुलीने सुरुवातीला ही घटना कोणाला सांगितली नव्हती, परंतु ती नाराज राहत असायची. त्यावरून तिच्या आत्याला जरा शंका आली, तिने तिला विश्वासात घेऊन विचारपूस केले. त्यावेळी मुलीने घटनेबाबत सांगितले आणि घटनेबाबत सांगितल्यानंतर या गुन्ह्यात पोलीस स्टेशनला रिपोर्टिंग झाली आणि त्याप्रमाणे कायदेशीर गुन्हा नोंद करून तपास सुरू केलेला. घटनेच्या वेळेसच त्याने त्याला धमकवलेलं होतं आणि त्यामुळेच घाबरून त्या मुलीने सांगितलं. दुबला पतला होना एक आरोपी को तब काम आया जब पुलिस की नाक के नीचे से लॉकअप से फरार होने में उसे कामयाबी मिली. हालांकि आरोपी की किस्मत और कानून के लंबे हाथों का नतीजा ये निकला कि उस आरोपी को पुलिस ने फिर अपनी गिरफ्त में ले लिया. क्या है ये संपूर्ण मसला, आइए देखते हैं. हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो स्लिम ट्रिम हो. हालांकि इसके अपने ही अलग फायदे भी होते हैं, जो खैर कई लोग जानते भी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुबला पतला होना आपको जेल की सलाखों से भी छुड़ा सकता है? शायद ही इस बात पर आपको यकीन हो, लेकिन ये बात बिल्कुल ही सच है. ये मामला है पिंपरी चिंचवड़ के चाकन पुलिस स्टेशन का, जहाँ एक आरोपी जो दुबला पतला था वो अपने कद काठी की वजह से लॉकअप की सलाखों से फरार होने में कामयाब हो गया. हालांकि उसकी फूटी किस्मत और कानून के लंबे हाथों का नतीजा ये रहा कि उस आरोपी को पुलिस ने फिर अपनी गिरफ्त में ले लिया. जिस तरीके से वो आरोपी लॉकअप से निकला था, उसका लाइव डेमो पुलिस वालों ने आरोपी से करवाया. आइए डालते हैं उस पर एक नजर. इस दरमियान वहां के पुलिस अधिकारी ने सावधानी के तौर पर लॉकअप को ग्रिल लगाने की भी जानकारी दी, साथ ही अन्य थानेदारों से ऐसी घटना से सावध रहने की भी अपील की. चाकण पोलीस स्टेशन से हे लॉकअप आहे, पिंपरी चिंचवड ऐकलंय म्हणजे चाकण पोलीस स्टेशन आहे तिथले हे लॉकअप आहे. त्या लॉकअप मधून आज सकाळी पहाटे आरोपीने इथून पळून जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर आरोपी कशा पद्धतीने पळून गेला त्याचा एक आपण डेमो या ठिकाणी पाहू. कसा गेला जाणो अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आरोपी पळून जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि तर इथून पुढे पण आपण सर्वांनी भविष्यात जे ठाणे इन्चार्ज असतील, अंमलदार असतील, लॉकअप गार्ड यांनी काळजी घेतली पाहिजे. आता आम्ही या ठिकाणी प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून जिथं आमच्या इथून दरवाज्यातून जास्त अंतर राहिलं होतं, तर या ठिकाणी आम्ही पट्ट्या वगैरे मारून घेतोय, प्लस पूर्ण लॉकअपला आम्ही आता जाळी वगैरे बसून घेतोय. तर इथून पुढे सगळ्या ठाणे अंमलदार इन्चार्ज यांनी सुद्धा असे प्रिव्हेंटिव्ह थोडंसं काळजी घेणं गरजेचं आहे आणि तसे प्रतिबंधात्मक उपाय करणं आवश्यक आहे. धन्यवाद. संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली में एमएसपी गारंटी मोर्चे को लेकर मंगलवार को नए किसान संगठन की बैठक ली, जिसमें एमएसपी के नए किसान संगठन की स्थापना की गई. इस संगठन का नाम एमएसपी गारंटी मोर्चा रखा गया है. इस बैठक में पूर्व सांसद और स्वाभिमानी किसान संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी उपस्थित थे. इस बैठक के बाद शेट्टी ने नए संगठन के अंदर में देश के सभी एमएसपी की मांग करने वाले संगठन एक साथ आ जाएंगे ऐसा विश्वास दिलाते हुए कहा कि इसके बाद अलग अलग संगठन के झंडे के नीचे आंदोलन नहीं होगा. आगे बात करते हुए वे बोले कि अगले 6 महीनों में देश भर में एमएसपी के लिए मोर्चे किए जाएंगे. गांव समिति के नाम से एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा जिसमें यह सब बातें शामिल होगी और ठीक 6 महीने बाद दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन लिया जाएगा. आज जी बैठक झाली त्या बैठकीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा निर्णय हा झाला की एमएसपी गॅरंटी मोर्चा या नावाखाली एक मंच तयार करून या मंचाखाली देशभरातल्या सगळ्या शेतकरी संघटना एकवटतील. आमचा या एमएसपी गॅरंटी कानून मोर्चाचा ध्वजसुद्धा वेगळा असेल, म्हणजे जे काही आंदोलन असेल, निदर्शन असतील, त्या एकाच झेंड्याखाली करायच्या. एरवी आम्ही वेगवेगळे आपापल्या संघटनेचे झेंडे घेऊन येत होतो, परंतु या सदस्य असणाऱ्या सगळ्या संघटनांनी एक झेंडा घेऊन एका झेंड्याखाली आंदोलन करायचं हा एक निर्णय घेतला. त्याचबरोबर इथून पुढे 6 महिन्यापर्यंत वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये दौरे काढून अधिवेशनं घेऊन बैठका घेऊन ही भूमिका मांडायची आणि गावसभेचे ठराव घ्यायचे राष्ट्रपतींच्या नावे की आम्हाला एमएसपी गॅरंटी कायदा पाहिजे आणि तो कायदा पारित होईपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही अशा अर्थाचे ठराव आम्ही गावसभेचे संकलित करणार आहोत. आणि 6 महिन्यानंतर एकच दिल्लीच्या शेतकऱ्यांच्या शेता एका शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये एक राष्ट्रीय अधिवेशन 3 दिवसाचं घेऊन त्या अधिवेशनामध्ये पुन्हा एकदा सखोल चर्चा करून मग आम्ही राष्ट्रपतींना भेटून हे सगळे ठराव गावसभेचे ठराव
संकलित केलेले देणार आणि पुढे सरकार कसा प्रतिसाद देते हे बघून पुढच्या आंदोलनाची धार तिथून आम्ही निश्चित करणार आहोत. दशहरा नगर क्षेत्र में पिछले एक साल से पानी की किल्लत झेल रही महिलाओं ने मंगलवार को शेगांव नगर निगम के खिलाफ मोर्चा निकाला. शेगांव के दशहरा नगर इलाके में पिछले एक साल से पानी की भारी किल्लत है. क्षेत्र में नल का पानी नहीं होने से एक क्षेत्र में रहने वाले किसानों और गरीब परिवारों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है. शेगांव शहर में मार्च महीने से ही भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों को पीने का पानी लाने के लिए भीषण गर्मी में भटकना पड़ रहा है, जिससे दशहरा नगर क्षेत्र के निवासियों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है. इस क्षेत्र के पार्षदों व नगर निगम अधिकारियों से बार बार बोलने पर भी नगर निगम ने इस विभाग की ओर ध्यान नहीं है. इस कारण आज महिलाओं ने शेगांव नगर पालिका पर मोर्चा निकाला. इस वक्त नगर अध्यक्ष पति और भाजपा के नेता पांडुरंग बूथ ने महिलाओं को आश्वासन देकर वापस भेजा. दसरा नगर इथून आम्ही मोर्चा घेऊन आलो. आमची पाण्याची समस्या आहे. आम्ही 2 वर्ष झाले कंप्लेंट करून राहिलो. आमची काही कुणी काळजी घेऊन नाही राहिलं. आम्ही मेंबरकडे गेलो, त्या नगरसेवकडे बी गेलो, पण काहीच नाही. आता इथंही 1.5 वर्ष झाले चक्र मारून राहिलं. आमची काळजी कोणीच घेऊन नाही राहिलं. आता उन्हाळा लागला. आम्ही उन्हाळ्यात आम्ही शेतमजूर. आम्ही कुठून पाणी आणून कुठून प्यान काय करा. आमच्या लेकराला आणला नाहीत. बिल कशा कशाचं भरा. आम्ही शेतमजूर, आम्ही आत्मजूर, म्हणजे 200 रुपये किलो तेल झालं आणि पाण्याचे पैसे कुठून भरा. आम्ही आता आम्ही इकडे ते बांगर साहेब आहेत, त्यांना सांगितलं. आता ते म्हणून राहिले की आम्ही करतो तुम्ही तुमची समस्या दूर, पण आता वेळ लागेल त्या गोष्टीला थोडा. पण तरी म्हटलं आमची काही ना काही. आता उन्हाळा लागला, अजून सुरू बी नाही झाला पूर्ण. तर आता आमची एवढी समस्या आहे. आता पुढं आम्ही काय करा 5व्या 6व्या महिन्यात. ते आता तात्पुरतं करतो म्हणतात, काहीतरी अजून केलं. आता काय करतात हे अजून काही आम्हाला कळलं नाही. जर आमच्यासाठी काही केलं नाही तर आम्हाला पुढची प्रोसिजर काही ना काही घ्यावं लागेल. पुढे तर आम्हाला काही ना काही पाऊल टाकाच लागेल ना, कारण आता बिन पाण्याचं तर काही राहू शकत नाही. बिना जेवणाचं राहू, पण बिना पाण्याचं नाही राहू शकत. VKB न्यूज के लिए बुलढाणा से राजवर्धन शेगावकर की रिपोर्ट. VKB न्यूज के प्राइम टाइम शो में फिलहाल के लिए इतना ही. ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए VKB न्यूज. फिर मुलाकात होगी आपसे कल. नमस्कार.